अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। खैर, आज का जो हमारा शो है वो स्पेशली उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो आगे दुल्हन बनने वाली हैं, क्योंकि आपको पता है ईद तो ख़त्म हो गई है लेकिन ईद के फ़ौरन बाद ही धड़ाधड़ शादियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो वो ब्राइड्स टू बी जो परेशान रहती हैं या परेशान हैं अपनी स्किन को लेकर, बालों को लेकर या अपने वज़न को लेकर, आज जो है वो हमारा शो उनके हवाले से होगा। जो भी आप लोग की परेशानियां हैं उनको हमारी ब्यूटिशियन जो हैं, हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट हर्बलिस्ट हैं और हमारी न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन भी हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगी ताकि आप अपने मेन दिन पर वो तमाम चीज़ें कर सकें जो आप करना चाहते हैं, वज़न को घटा सकें जितना कम करना चाहते हैं और स्किन पे वो ग्लो लेकर आ सकें जो आप की और मेरे ख्याल से हर लड़की की ख्वाहिश होती है, हर दुल्हन की स्पेशली। तो आज का शो ज़रूर देखिएगा। आ जाएं जी, हम ज़रा चलते हैं अपने लाउंज की तरफ और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं आमना मुजीब खान, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, जो पहले भी हमारे शो पर आ चुकी हैं और बहुत सी यूज़फुल टिप्स दे चुकी हैं जिन पर अगर हम अमल करें तो शायद हमारे लिए बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू आमना? थैंक यू सो मच, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। खैरियत से। और इन्हीं के साथ तशरीफ रखती हैं जी हुमैरा नाज, हर्बलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। माशाल्लाह से हुमैरा ईद मना रही है, आते साथ ही ना मुझे कहती हैं देखे मेरे कपड़ों के उस पर नहीं जाइएगा, मैं शादी से आ रही हूँ। डे टाइम में आज शादी थी, शादी से मैं डायरेक्ट इधर आ रही हूं। मैं कह नहीं नहीं हुमैरा आप ईद मना रही है और क्या, क्या इसमें क्या हर्ज है अगर मना रहे हैं? पार्टीज तो ईद की अभी तक चल रही है, अभी तक चल रही है। सीरियसली, ये सीरियस तो मुझे तो लग रहा है बाजारों में भी अभी तक लोग ईद मना रहे हैं, छुट्टियां हैं, लोग इतने आराम से दुकानें खोल रहे हैं, कमाल है, मजे आ रहे हैं। खैर, अब ईद तो गुजर गई लेकिन अब शादियां शुरू हैं। बिल्कुल, बहुत सारे खानदानों में शादियाँ हैं और शादी से पहले तो ये होता है कि प्रेशर फैमिली पे तो होता ही है लेकिन जो दुल्हन पे प्रेशर होता नहीं है जितना वो ले लेती है, इसका क्या इलाज है? आमना, आपसे पहले एक तो स्टार्ट करूंगी कि ये इतना प्रेशर क्यों, फिर वज़न भी कम करना है, हर चीज़ का ख्याल करना है। सबसे ज़्यादा किरण, थैंक यू फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक ऑन दिस। इट्स अ वेरी, ये बहुत ही ज़रूरी और अहम टॉपिक है हर घर में, बिकॉज इस टॉपिक पे हमेशा थोड़ी बहुत अनबन घर में, यू नो, पेरेंट्स कहते हैं कि ज़रा सा, बिकॉज ऑब्वियसली उसका, शी इज़ द मेन पर्सन, शी इज़ गोइंग टू बी द शो स्टॉपर, सब उसको देखेंगे और सब चाहेंगे, पेरेंट्स तो चाहेंगे ना कि उनकी बच्ची सबसे ज़्यादा रेडियंट लगे, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। दुल्हन खुद चाह रही होती है और दुल्हन खुद भी ये सब कुछ चाह रही होती है, तो इतना कुछ दिमाग में हो रहा होता है, एंग्जाइटी भी होती है, घर छोड़ने की बहुत से इमोशंस भी एट प्ले होते हैं ना, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि ज़रा सा स्टेप बैक लेके, डीप ब्रेथ लेके सोचें। और 3 महीने पता ही है कि इस महीने में शादी है, डेट्स फिक्स है, तो 3 महीने पहले शुरू करें ये। एक तो क्रैश डाइटिंग बिल्कुल मत करें। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल एंड में आके 30 दिन रह गए हैं और किसी ने कह दिया जी साउथ बीच कर लो, किसी ने कह दिया जी कीटो कर लो। अच्छा। ये सारी चीजें जो है ये आपके ऑर्गन्स पे असर डालती है, स्पेशली कीटो जो है वो आपके किडनीज को अफेक्ट करता है। ये आपको जो बेचने वाले हैं वो तो ये नहीं बताएंगे। तो मैं एक नेचुरल, यू नो, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस, मैं ये अपने प्रैक्टिस में यही नेचुरल चीज़ें देती हूँ, कोई उसमें ये नहीं होता कि जी आप वहाँ आसमान से ये कोई पुड़िया लेके आ जाए, इस तरह मैजिक पिल, ऐसा नहीं होता। मैं मशवरा ये दूंगी 3 महीने पहले शुरू करें, एकदम रेस मत करें। और दूसरा ये कि फलों और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सुबह जो है एक डिटॉक्स ड्रिंक मैं बताना चाहूँगी सारी ब्राइड्स के लिए कि जो वो सुबह अर्ली मॉर्निंग अपने सिस्टम को फ्लश करें, वो जाके आपके गट में सारा जो टॉक्सिटी बैठी हुई है जिससे वजन फंसा हुआ है वो उसको रिलीज करेगा। अच्छा। फाइबर आएगा बॉडी में, आप सही तरीके से आपकी बाउल मूवमेंट सही होंगी। अच्छा। आप एक्सक्रीट कर पाएंगे, जब वो कर पाएंगे तो गट सही तरीके से काम करेगा और वही आपका गेटवे है टू वेट लॉस एंड रेडियंट स्किन। पोमेग्रेनेट खाएं, बीटरूट खाएं। अभी मैं एक रेसिपी की इंग्रेडिएंट्स देना चाहूंगी ताकि वो अगर नोट कर लें, और डाइट प्लान भी बताना चाहूंगी ताकि वो एक स्ट्रक्चर तरीके से जो हमारी दुल्हन है वो सही तरीके से उसको पहले हम वो ड्रिंक को करते हैं, जो डिटॉक्स ड्रिंक, और ये मेरा ख्याल से कोई भी ले सकता है जिसको अपना वजन कम करना है, और रेगुलर अगर रंग अच्छा करना है अपना, रंग रेगुलर लेते रहे, बिल्कुल ले दे, बड़ी जबरदस्त
चीज है, ये तो नेचुरल चीज है, उसमें सेब है, उसमें स्पिनच है। क्या क्या है रेसिपी? अच्छा, उसमें आप थोड़ा सा 2 कप बिल्कुल बारीक कटी हुई पालक ले लें, एक हरा सेब आजकल सीजन में है वो भी ले लिया आपने। अच्छा, उसको पील नहीं करना क्योंकि सारा छिलके, सारी जो उसकी गजाइयत है वो छिलके के अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा आपने अदरक ले ली, थोड़ी सी आपने एक खीरा ले लिया, और उनको सारा थ्रू द जूसर। अच्छा, आपने खीरे को और थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा आपने उसमें स्क्वीज कर लिया, तो आपके पास हो गया स्पिनच भी हो गई, मतलब के पालक, सेब भी हो गया, खीरा भी हो गया, नींबू भी हो गया, अदरक और थोड़ी सी, बिल्कुल जरा सी, बिकॉज वो अदरक जो है वो आपके पेट को काम कर देती है। अच्छा, और उसके बाद जो हम ब्लेंड करेंगे उसको छान, ब्लेंड भी कर सकते हैं और जूसर के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और वो सुबह सुबह आप पिए हरी भरी। अगर ब्लेंड करते हैं तो छाने उसको, थोड़ा सा छाने, पर वो काफी, अगर ब्लेंडर जो है उसकी पल्स तेज है तो वो अच्छा खासा ब्लेंड हो जाएगा उसमें, थोड़ा सा पानी सुबह सुबह निहार मुंह एक ग्लास बिल्कुल डेली करते डेली ये करना है, और आप देखेंगे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी जो स्किन की रंगत है वो, आपको वो ग्लो जो दुल्हनों को चाहिए वो फौरन आना शुरू हो जाएगा। जबरदस्त ग्लो के लिए तो भाई हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे, आप क्या रेकमेंड करती हैं? एक तो ये होता है कि एंड टाइम पे हफ्ता भी नहीं है और ब्राइड्स जो हैं वो फेशियल भी करवा रही हैं, तो वो फेस वैक्स भी करवा रही हैं, तो वो लेज़र ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं, आप क्या रेकमेंड करती हैं? सबसे पहले तो ब्राइड के लिए, या मैं हर एक उस खातून को कहूँगी कि अपनी स्किन को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उस हिसाब से, क्योंकि जब आप बुकिंग करवाते हैं सलोन्स में कहीं भी, तो आपको उनको बताना है कि आपकी स्किन क्या, वैसे तो वो जज कर लेंगे लेकिन क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उस लिहाज से चलें, क्योंकि टोटके हम सब कुछ बताते हैं लेकिन वो इस टाइप ऑफ स्किन को लेकर होती है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो चाहे ऑल टाइप स्किन के लिए मैं बताऊँ, पानी एक ऐसी चीज़ है कि आप अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आप देखिएगा डिटॉक्स सबसे बेहतरीन पानी होता है, ठीक है ना, पानी पीना शुरू करें। और ब्राइड को बेसिकली चाहिए कि जैसे अभी इन्होंने बताया डिटॉक्स वाटर बेहतरीन डिटॉक्स है, ये इस तरह के डिटॉक्स वो करें बॉडी को। अच्छा। और खाने पीने में ऑयली चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि अगर किसी की एक्नी की स्किन है, ऑयली स्किन है, तो वो फिर एक्नी आने का खदशा होता है। ऑयली, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना लें, और चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। अच्छा, चीज़ का? हाँ, चीज़ का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, उससे स्किन पे इफेक्ट होता है, स्किन पे इफेक्ट होता है इन चीज़ों से। अच्छा। तो क्योंकि ये वाले जो डेज होते हैं ना, उसमें पता नहीं होता कि कब आपका एक्नी प्रोमिनेंट हो जाए, तो कोशिश किया करें कि ये चीज़ों को अवॉइड करें, ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ आए, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, इसका इंटेक कीजिए। लगाने की कुछ चीजें अभी हम यहाँ पर बताएंगे भी कि किस तरह आपने, एक मैं उपटन बताऊंगी कि घर में आपने किस तरह वो उपटन बनाना है, और वो हर कोई बना के रख सकता है, और किस तरह लगाना है वो भी मैं उसका प्रोसीजर बताऊंगी क्या है, और दोनों, जैसे ड्राई स्किन के लिए अलग बताऊंगी, एक्नी वाली स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अलग बताऊंगी कि किस तरह डार्क सर्कल को, क्योंकि बहुत ज्यादा रात को जागे नहीं, क्योंकि उसी से आपको जो है आपके डार्क सर्कल जाते हैं, नींद प्रॉपर लेनी है, ब्राइट नींद तो नहीं आती दुल्हन को, क्या करें, घर वाले लेने नहीं देते, नहीं वो खुद भी, मतलब कई लड़कियों को ऐसा जानती हूँ जिनकी शादियों की टेंशन वो सवार कर लेती हैं, डांस प्रैक्टिस, इसको बुलाओ, उसको करना है, कपड़े जोड़े हर चीज़, तो अब जब इतना सारी ये सारी चीज़ें अगर स्ट्रेस लेंगे तो फिर तो वो फिर फेस पे आता है, स्ट्रेस अगर आपने लिया तो लाजमी आपके हार्मोन्स इनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और उसकी वजह से आपका फेस इंपैक्ट करता है। डू यू रेकमेंड कि ये ब्राइड्स टू बी को थोड़ी सी मेडिटेशन करनी चाहिए? यस, ऑफ कोर्स, सुकून करना चाहिए, ऑफ कोर्स। I think nobody tells this to any bride. मैंने आज तक नहीं सुना कि किसी दुल्हन को कहा तुम ना मेडिटेशन एक्सरसाइज करो सुकून में रहने के लिए। सबसे आसान मेडिटेशन जो एक्सरसाइज है ना, वो हर कोई याद कर सकता है, 4 7 8 चार गिने और इनहेल करें, और फिर 7 गिने और रोक लें, और 8 गिनते हुए बाहर फेंक दें, करके देखें 4 7 8 सो आप इनहेल करें 1 2 3 4 फिर इसको रोक लें 7 तक 1 2 3 4 5 6 7 रोके रखें, और अब जितनी ताकत है उसको, उससे बाहर इसको ब्लो करें 8 पे, 1 2 3 4 5 हाँ जोर से ब्लो करें, 4 7 8 मतलब 8 पे 8 गिनते हुए ब्लो करें। आप तो बहुत तेजी से गिन रही हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 वो तो बहुत स्लो गिन रही हैं, अब वो तो बहुत भी अच्छा है, दैट्स फैंटास्टिक रियली। अगर 3 मिनट ये करें ना आप, तो आपकी एंजाइटी भी कम हो जाएगी, आपको जनरल जो स्ट्रेस
अराउंड है वो भी कम हो जाएगा एंड यू विल फील रियली लाइट, हल्का महसूस करेंगे। आई थिंक जो लोग एंग्जायटी लेते हैं, ना सिर्फ दुल्हन बल्कि दुल्हन के घर वाले वो भी या ससुराल वाले जो भी है, फैमिलीज को चाहिए कि ये एक गेट टुगेदर टाइप या फैमिली टाइप के उसमें ना सब मिलकर रिलैक्स करें। एक कहते हैं ना एक पीरियड इसका भी होना चाहिए जो कि सबसे ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी जैसे इन्होंने बताया हुमैरा कि मेडिकेशन वगैरह लिए, अक्सर लोग लेते भी हैं मेडिकेशन कि स्किन को थोड़ा सा ग्लो लाने के लिए, तो वो भी सही है एक तरह से कि नेचुरल चीज़ों से अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बेसिकली मेरे पास भी कुछ ऐसे ही पेशेंट्स आते हैं कि जो शादी में टाइम इतना रह गया है, पिगमेंटेशन है वो ख़त्म करनी है, तो लाजमी सी बात है या एक्नी हो गई या पिगमेंटेशन हो गया, मेरे पास इतना कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक महीने के अंदर इस चीज़ को ख़त्म कर दूंगी। सही बात है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्ट्स में जान ये होती है कि आपको रिजल्ट मिलना शुरू जाता है, आपको जो मैं टाइम देती हूँ कि 15-20 डेज में आपको ये पता लगना शुरू जाता है कि आपकी एक्नी रिजॉल्व हो रही है या आपकी पिगमेंटेशन खत्म हो रही है या आपके रिंकल्स खत्म हो रहे हैं, तो ये आपको नजर आना शुरू हो जाता है। और हुमैरा जीत जो है वो अपने प्रोडक्ट्स भी आप किस नाम से, आप गजाली हर्बल के नाम से सिंस 2006 में वर्क कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये है कि पेशेंट्स जो है उनको पता होता है कि मैंने ट्रीटमेंट लेने जाना है, कोई इस तरह की चीज ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं है ये, ट्रीटमेंट्स है जो मैं दे रही होती हूँ। बिल्कुल। तो स्किन को तो हमें करते हुए, क्योंकि मैं मेरी भी स्किन ये है कि लोग यही देखते हैं कि आपकी स्किन, आई एम 50 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह बाकी नो डाउट। तो मैंने रेगुलरली करती होंगी अपने प्रोडक्ट्स, यही है मेरा अपना मास्क है, मेरी अपनी क्रीम है, उसको मैंने अप्लाई करना होता है, मेरे फेस वॉशेज ऑयल्स हैं, देन शैम्पू वगैरह ये सारी अपनी ही चीजें हैं जो कि मैं कभी बाहर जाती हूँ तो मैं परचेज नहीं करती हूँ, मेरे अपने प्रोडक्ट्स हैं तो उन्हीं को अप्लाई करती हूँ। कोई परचेज करना चाहे, कोई वेबसाइट आपकी है? बिल्कुल, मेरा अपना पेज है हुमैरा नास के नाम से भी है, गजाली हर्बल के नाम से मेरा पेज है, उस पर जा सकते हैं, उस पर आप आके कोई भी प्रोडक्ट जो भी आपको सूट करती है, वेट लॉस का है वो भी है, तो सब आप देख सकते हैं उस पर। अच्छा, ये जो आपके सामने आप उपटन का कुछ बता रही हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे पहले हम उपटन ही बनाते हैं क्योंकि उपटन एक ऐसी चीज है कि आपकी स्किन को, ये हमारी नानी दादी के जमाने से चली आ रहे हैं, बेसन एक ऐसी चीज है जो आपके लिए बेहतरीन होता है, आपकी स्किन के लिए एक्सफोलिएट, बेहतरीन एक्सफोलिएटर है ये स्किन के लिए, ये दोनों टाइप ऑफ स्किन के लिए है। अब मैं बताऊंगी कि इसमें आपने एक्नी वालों ने क्या ऐड करके पेस्ट बनाना है और ड्राई स्किन वालों ने कैसे पेस्ट बनाना है। मैंने 2 चमचे यहाँ बेसन लिया है और 2 ही चमचे मैं यहाँ पर ले रही हूँ मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, यहाँ मैंने मुल्तानी मिट्टी ली है 2 चम्मच। अच्छा, अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर रही हूँ, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी है कॉफ़ी। और उसके बाद ये हल्दी जो मेरी अपनी घर में बनी हुई फ्रेश हल्दी जो मैंने पाउडर बनाई हुई है ये वो है, ये बेचती भी हैं आप? नहीं, ये मैं जो हल्दी खुद बना रहा हूं बेच नहीं रहा, बेच नहीं रहा, नहीं नहीं, तरीका बता देती हूँ कि किस तरह बनती है। अच्छा, मैंने इसमें 1/4 टीस्पून रंग भी इसका जबरदस्त है, बिल्कुल, ये मैंने 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ली है, ये सारी चीजें आप मिक्स कर लें। मैं इसमें एक चीज लेके आना, जाहिर मेरे पास टाइम नहीं था, मैं शादी में से आ रही थी, इसमें आप चाहें तो पेटल्स जो होती है वो ड्राई करके उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जो रोज पेटल्स, ठीक है ना, उसका पाउडर भी आप 2 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं, ये हमने ऐड कर लिया। अच्छा, अब जो एक्नी वाले जितने लोग हैं वो आप रोज वाटर में इसको पेस्ट बना के लगाएंगे, और जो ड्राई स्किन या रिंकल्स जिन पे ज्यादा है वो बीटरूट जूस में इसको मिक्स करके लगाएंगे। ड्राई स्किन वाले जो है वो सब्जी बीटरूट ले, बीटरूट का आप जूस क्रश कीजिए, उस जूस में आपने ये पाउडर बना के आप रख लीजिए वॉश बेसन के सामने। अच्छा, जब भी आपने लगाना है, आप चाहे जो एक्नी वाले हैं वो रोज वाटर से, और जो ड्राई स्किन और रिंकल्स वाले हैं वो बीटरूट जूस में। बीटरूट के अलावा कोई और है ऐसा? क्योंकि अब बीटरूट को जूस निकालना ना सुस्ती में रह जाएगा, फिर दूध में मुझे ऐसा लगता है ज्यादा बेहतर है कि फिर दूध में आप इसको मिक्स करके आप बना लें। बीटरूट इसलिए, बीटरूट का पाउडर भी मिलता है अगर आप लेना चाहे तो, वो पाउडर भी मार्केट में मिलता है, बीटरूट पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फिर लिक्विड किससे करें, पानी से करें? वो फिर पानी से करें। अच्छा, जब आपके पास बीटरूट पाउडर आ जाएगा, बीटरूट में मैं ये बता दूं हाइलुरोनिक एसिड ओरिजिनली मौजूद है, ये जो महंगी महंगी क्रीम्स हम ले रहे हैं, जी हाँ, हाइलुरोनिक एसिड रास खोल रही हूँ कि उसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड कुदरती तौर पे मौजूद है, इसीलिए वो आपकी स्किन को ग्लो करता है तेजी से। तो ये आप, ये आपका उपटन हो गया जो आपने घर में बना के रख दिया, ठीक है, ये ड्राई उपटन तो बना के आप रख लें, आप बना के रख लीजिए जो भी स्किन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं डार्क सर्कल्स की तरफ। डार्क सर्कल्स में हमारे पास ये कॉफी मौजूद है, कॉफी के अंदर हमने सिंपली, आपके पास एलोवेरा जेल मौजूद है,
आप उसका, ये फ्रेश है आपका है ना? ये फ्रेश है, मेरे पास बहुत सारा लगा हुआ है, तो जब भी जिस चैनल पे मुझे जाना होता है एक लीफ मैं तोड़ती हूँ और ले जाती हूँ। एक हर्बलिस्ट के घर में ये सारी चीजें मेरे ख्याल से मिलती है। बिल्कुल है। अच्छा, इसको ये है कि ये आपने पेस्ट बनाना है एलोवेरा जेल को। ये इस वक्त यहाँ पर इसको मैं मेल्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी कॉफी और एलोवेरा जेल, ये आपने ये रखे रखे मेल्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद आप कांटे से या किसी भी उससे बीटर से, छोटा सा वाला जो बीटर आता है कॉफी बीटर, वो आप उससे बीट कर सकते हैं, बीट हो जाएगा। ये आपने लगाना है, फिर उसके ऊपर आपने टिश्यू पेपर रखना है, फिर दोबारा लगाना है, वो छोड़ दीजिए, यानी दो लेयर्स में लगेगा ये डार्क सर्कल्स, ये डार्क सर्कल्स के लिए। लगने के बाद आपने ये दो चम्मच लेने, फ्रीजर में रख देना इसको, ये ठंडे हो जाएंगे तो आपने उसी पे ऐसे ऐसे रखना है, सेकना है, समझे? आइस पैक करते हैं, आइस पैक आपने इस तरह लगाना है, ये डार्क सर्कल इस तरह जाएंगे आपके। ये लगाने के बाद आपने ठंडे स्पून दोनों लेके आपने ऐसे करके लगाने, जब वो थोड़े से सही हो जाए थोड़ा दोबारा कर लीजिए। ये तकरीबन मेरे ख्याल से विद इन 5 मिनट्स आपका ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और ये रेगुलर करें, ये रेगुलर करें, और रात को सोते टाइम पे आपने सिर्फ इसको पानी से वॉश करके सोना है, फिर इसके ऊपर कोई फेस वॉश वगैरह यूज ना कीजिए। आपने जब उतारना है तो पानी से सिंपली उतार के आप सो जाइए। अच्छा। आप देखिएगा 15 दिन में आपके डार्क सर्कल्स रिमूव होना शुरू जाएंगे। लेकिन इसके साथ ये भी है कि पानी भी पिए, साथ नींद प्रॉपर लें। ये जो गैजेट हमारे पास है, रात को लेके ना देखते रहे अंधेरे में, इससे आंखें भी खराब होंगी और आपकी सेहत भी बर्बाद होगी। मुझे बताएं, चमचा इस्तेमाल करना ठंडा करके ये जरूरी है या हम आइस को टिश्यू में करके भी कर सकते हैं? नहीं, आइस को टिश्यू में वो आपका फिर बहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, सही। इसलिए लिक्विड है ना, सिर्फ आप चमचे से ही होता है कि आपको सूदिंग फील होगी और आप रिलैक्स भी फील करेंगे इसको चमचे से, इसलिए मैंने बताया। कुछ मेटल का कनेक्शन होगा? नहीं, सिर्फ ठंडक के लिए है वो आइस। इसलिए नहीं कहा मैंने कि वो फिर पानी बहना शुरू हो जाएगा, फिर आपका लगा हुआ लिक्विड है वो निकल जाएगा। तो ये इसलिए हमारे डार्क सर्कल्स का भी हो गया। अभी मजीद हम आपको और टिप्स देंगे और ये भी जानेंगे कि वजन बढ़ाने के लिए भी हम क्या डाइट ले सकते हैं, और बहुत से हैं जो जिन्होंने वजन कम ही करना है तो वो हमें जरूर बताएंगी। आमना से हम पूछेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस कि वजन कम ही करना है। तो वो बड़ी सिंपल सी एक बेसिक चीज है जो हर कोई अपने किचन में क्रिएट कर सकता है। खशखाश को एक चम्मच भिगो दें, ठीक है? ठीक है, 3 खजूरें, कोई भी खजूरें आप ले सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट के ज़्यादा स्वीटेंड हो तो अजवा वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी लोकल सिंध की खजूरें बेस्ट हैं। बिल्कुल, ठीक है जी। खजूरें हो गई, 7 बादाम जो रात को आपने भिगोए हों और सुबह उनका छिलका उतारा हो। अच्छा, सिंपल ये सारी तीनों चीज़ें हो गई, बादाम, खशखाश और खजूरें, भीगे हुए बादाम हो गए, खजूरें और खशखाश, ठीक है जी। उसमें आपने 1 कप दूध के साथ इनको ब्लेंड कर देना है। अच्छा, ठीक है। और इसमें 1 टेबलस्पून आपने क्रीम डालनी है, मलाई। अच्छा, ठीक है, अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और आप इस नाश्ता जो है सुबह इससे करें। हाँ, हाँ, हाँ। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप ग्रेजुअली देखेंगे। बिकॉज देखें, वेट चढ़ाना तो बहुत आसान है, मतलब एकदम मुँह पे आ जाता है, बट ग्रेजुअली पूरे सिस्टम में डिवाइड होना चाहिए ना। हमें सिर्फ मुंह पे तो वजन नहीं चाहिए, सिर्फ ना पेट नहीं, सिर्फ पेट नहीं मतलब पूरी। तो ये क्या होगा कि अगर आप सुबह लेंगे और इसमें सारी सारे विटामिन्स इस खजूर, इस फुली पैक्ड और सुन्नत भी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसमें तो ये ड्रिंक वजन तो बढ़ाएगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़े से मजबूत भी करेगी, आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाएगी, एग्जैक्टली आपकी इम्यूनिटी, दिफाई निजाम जो है वो फुल्ली मजबूत करेगी इवेंचुअली। और फिर आपका जब एक कैप वजन आ जाए तो फिर आप उसको रिट्रैक्ट कर लें, आप उसको जरा सा छोड़ दें ताकि फिर कभी कभार आप एज अ टॉनिक इसको ले पाए, मतलब रोज लेने के बजाय। कब तक इसके असरात दिखना नुमाया? 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप वे करना शुरू करें। जिस दिन आपने शुरू किया उस दिन आप सुबह वे करें। एक तो अपने आप को वे करने का सबसे ज़रूरी वक्त जो है वो सुबह होता है। अच्छा। उठ के जब जैसे ही आप उठें, जब आपने कुछ खाया पिया नहीं होता तो आप सुबह वजन अपना करें। ये और महक को अभी बताते हैं ना, इसको वजन अच्छा, अब वजन कम करने के लिए। अच्छा, ठीक है। जो हमारी ब्राइड्स जो हैं, जैसे अभी मेरा फरमा रही थी कि बीटरूट की बहुत ज़्यादा बात हो रही थी, तो बीटरूट के बारे में कहना चाहूँगी, इट्स अ सुपर फूड। जैसे अब आजकल है ना कि जी मुरिंगा और ये रोज नई नई चीजें आ जाती हैं, हमें जाना चाहिए अपनी दादी और नानी के टाइम पे, वो चीजें क्या इस्तेमाल करती थी, वो ये लोग हर्ब्स में, उनकी कितनी लंबी माशाल्लाह जिंदगियां थी, उम्र तक मजबूत, उनकी इम्यूनिटी, उनका जो सिस्टम था वो पूरा रोबस्ट था, स्ट्रॉन्ग था। हमें भी वैसे करना है ना, तो हमें ये नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है। अब जैसे ये बीटरूट जो है ये एक सुपर फूड है, मैं तो कहती हूँ हर किसी को बीटरूट
के साथ दोपहर का नाश्ता मतलब अच्छा। जो खाना है उसमें स्टीम्ड या स्टर फ्राइड बीटरूट का इस्तेमाल जरूर करें, या रात को करें मतलब एक एक चुकंदर रोज जरूर खाएं, चाहे जूस या उसका जूस निकाल लें, लेकिन उसको डाइल्यूट जरूर करें आधे ग्लास पानी में, क्योंकि उसमें चीनी भी होती है और वो जो लोग अनीमिया है जिनमें खून की कमी है उनके लिए बेस्ट है। ये एक नेचुरल रेमेडी है, उनके जो हेमोग्लोबिन लेवल जो है फेरेटिन वापस ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो एक तो बीटरूट का इस्तेमाल करें, दूसरा स्ट्रॉबेरी सीजन में है इस वक्त, जितनी हमारी ब्राइड्स हैं स्ट्रॉबेरीज का एक बोल रोज जरूर खाएं। अच्छा। उसमें चीनी मत डालें, उसको स्वीटन कम हो नहीं नहीं इससे वजन मतलब ग्लो के लिए, और वैसे भी फ्रूट है ना, फ्रूट तो सिट्रस फ्रूट है, वजन कम होगा बिकॉज अभी मैं डाइट आपको बताऊंगी जिसमें और फ्रूट का जो रूल जो रूल ऑफ थंब है वो ये है कि हमेशा खाली पेट खाएं फ्रूट। अच्छा। आप खाने के रात को खाने से पहले खाएं और दोपहर को लंच से पहले खाएं, तो वो जो ये जो स्ट्रॉबेरीज मैं आपको बता रही हूँ ये इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, इससे आपकी स्किन का वो जो ग्लो हमारी दुल्हन को चाहिए वो भी मिलेगा और स्किन जो एक्नी और इन सारी चीजों से पाक हो जाएगी बिकॉज आप उसको खाली पेट खा रहे हैं, तो फिर उसका उसमें इतनी डाइजेस्टिव पावर होगी कि वो काम कर सकेगी। खाने के बाद खाएंगे तो वो डाइजेशन भी फल नहीं खाना चाहिए खाने के बाद। एग्जैक्टली सो तो डाइट प्लान का जहाँ तक ताल्लुक है सुबह उठें वो जो मैंने ग्रीन स्मूदी बताई या वो लें, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा घंटे डेढ़ का गैप दें, उसके बाद थोड़ी सी जिंजर टी और कुछ नट्स यानी कि ओमेगा 3 चाहिए हमें, तो या तो वॉलनट्स का इस्तेमाल करें, अखरोट का इस्तेमाल करें, बादाम का इस्तेमाल करें या अलसी का इस्तेमाल करें, या तीनों को मिक्स करके थोड़ा सा एक पेस्ट बना लें या पाउडर बना लें, जो अलसी भी फ्लैक्सीड्स ना, अलसी फ्लैक्सीड्स और आमंड्स। ठीक है, अच्छा मुझे बल्कि एक कॉलर ने कॉल भी किया था और उन्होंने कहा था कि ये ज़रूर पूछिएगा फ्लैक्सीड्स, वो कुछ भी होता है ना साथ में डाल देती हूँ फ्लैक्सीड्स के ले लेती हूँ, कभी कुछ बिस्किट है बेकिंग है कुछ भी करती हैं, तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मुझे फ्लैक्सीड्स को मिलाना नहीं चाहिए, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा है? फ्लैक्सीड्स एक सीड है। ठीक है, इसका जो असल काम है ना वो है आपके ब्लड प्रेशर आपका जो है उसको कंट्रोल करना, तो जो लोग जो ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट्स हैं वो अगर सुबह 2 चम्मच अलसी को थोड़ा सा हाथ में मसल के अपने टोस्ट पे या अपने नाश्ते पे छिड़क दें वो 2 वीक्स के अंदर अंदर वो अलसी अपना काम दिखा देगी। अच्छा, बट हम ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे बाकी नट्स के साथ ताकि वो नटी टेक्सचर भी हो उसका फ्लेवर भी हो। आप अलसी को हर चीज के साथ चिया सीड्स के साथ किसी भी नट्स और सीड्स के साथ उसको मिक्स जिंजर कर सकते हैं। जिंजर टी के साथ आपने ये नट्स का इस्तेमाल कहा फिर उसके बाद लंच आ गया उसमें आपने बिल्कुल ये जो आजकल शुरू हुआ है कि जी रोटी छोड़ दो चावल छोड़ दो ये कुछ छोड़े नहीं बिकॉज आप अदरवाइज अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंट हो जाएंगे न्यूट्रिएंट्स निकलते जाएंगे जब न्यूट्रिएंट निकलते जाएंगे तो डिफाइन निजाम कमजोर हो जाएगा जो आती चलती फिरती बीमारियां वो लग जाएंगी। सो इस वक्त दुल्हन को हेल्दी और स्ट्रांग भी करना है ना तो दोपहर को या रोटी या चावल दोनों को मिक्स ना करें उसके साथ आधा कप घर का बना हुआ दही पैकेट वाला नहीं ठीक है उसके साथ कोई भी सब्जी घर में बनी हुई या कोई पीस चिकन का दाल, वो आपने ले लिया दाल सब्जी या वो चावलों के साथ ले लें। अच्छा एक सर्विंग लेनी है आपने उसके बाद दोबारा प्लेट में डालना नहीं। अच्छा ठीक है बर्दाश्त करना है बर्दाश्त करना थोड़ा सा ठीक है 5 बजे के करीब थोड़ी सी या कमरे में या बाहर जाके थोड़ा सा सेन में वॉक करनी ठीक है ये तो समझ लें जैसे कि एक दवाई खा रहे हैं। और डिनर पे क्या करना है ये अभी हम जानेंगे ब्रेक के बाद। अच्छा चलें ठीक है जी एक ब्रेक ले लेते हैं फिर वापस आते हैं। आ जाएं जी वक्त बहुत कम है हमारे पास आमना से जरा डिनर के बारे में जान लें कि आपने पूरा रूटीन बताया वजन कम करने के लिए डिनर पे क्या करें? डिनर पे ये है कि उससे पहले मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि वॉक जो है वो भी एक समझ लें कि एक बांध लें एक मील है उसके बगैर बाकी चीजें आई लाइक दैट उसके बगैर काम नहीं होगा तो खाना और हमेशा ये याद रखें कि खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं होगी बिल्कुल बिकॉज आपको अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को एट ईज करना है काम करना है उसने रात को सोना है ताकि आपने आपके सेल्स ने रिपेयर होना है तो रात का खाना जो है उस वक्त आप रोटी और चावल माइनस कर सकते हैं ठीक है क्योंकि लंच में आपने रोटी ले ली है तो इट्स ओके आप रात को प्रोटीन लें और जितना जल्दी खाना खाएं उतना ज्यादा अच्छा है मतलब 7:30-8 बजे के दरमियान वो भी एक आर्ट है कि अगर आप जल्दी खा लेंगे तो वो ज्यादा सही तक काम करेगा देर से खाना खाएंगे लेट नाइट खाएंगे वही चीज अगर खाएंगे
वो काम सही तरीके से करेगा। कार्ब्स नहीं खाने डिनर पे, प्रोटीन ले लें या चिकन टिक्का ले लें या दो कबाब ले लें, लेकिन उसके साथ एक होलसम प्लेट आपकी वेजिटेबल्स की होनी चाहिए, सैलेड भी ले, और ज्यादा भुने ना सब्जी को, ठीक है, मतलब थोड़ी सी खड़ी खड़ी हो, मतलब स्टर फ्राई कर लें चाइनीज स्टाइल, कभी उसको स्टीम कर लें, थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला वगैरह डाल के अपनी अपनी पैलेट को देखें, अपने टेस्ट पास को कहां को देखें, और उसके बाद एक घंटे का रोजा रख लें, खाने के बाद थोड़ी सी जिंजर टी लें, और अगर लेट नाइट जाग रहे हैं तो थोड़े से नट्स ले लें बगैर नमक के, ठीक है, चने खा लेना, हॉर्स पावर ले लीजिए, ये तो हो गया, और फिर साथ में अपना वेइंग मशीन रखें अपने पास। हाँ जी, जाते जाते नकल्स के लिए आप हुमैरा बता रही थी कुछ? जी, नकल्स के लिए मैं ये बता रही हूँ कि आपने आधा टमाटर कट कर लेना है, इसके ऊपर आपने पिंच हल्दी डालनी है, ये जो मेरे पास घर में बनी हुई है, बेकिंग सोडा आपने डालना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हनी डालना है। अच्छा, ये आपने इस टमाटर पे रख देना, ये खुद मेल्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें। उसके बाद आपने ये आपने अपने नकल्स पे, ये देखिए मैं जिस तरह बता रही हूँ, ये इसी तरह आपने अप्लाई करना है सारे नकल्स पे, जहाँ जहाँ डार्क पैचेस हैं आप ये उस पे अप्लाई कर सकते हैं। आप रब करें 1 से 2 मिनट के बाद, और उसके बाद आप इसे वॉश वाइप आउट करके वॉश कर लीजिए, किसी भी पानी से कर लें, ज्यादा मैं कहूँगी कि पानी से ज्यादा बेस्ट रहता है, और फिर रात को सो जाएं, सुबह वॉश करें जिस तरीके से भी। एक मैं चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पर मैं ये फिटकरी है, ये एक्नी वाली स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है, जहाँ जिन लोगों के पोर्स एनलार्ज हैं, ये गीला करके जब भी आप फेस वॉश कर लें तो गीली करके जहाँ जहाँ आपके पोर्स हैं उधर थोड़ा सा देर रब करें, ये पोर्स को बंद करती है, ये पोर्स को बंद करता है, और उसके बाद ये कि सादे पानी से धो लें आप। एक सिंपली सी रेमेडी और बता रही हूँ मैं कि आजकल जो हमारे पास गर्मी आने वाली है बड़ी सख्त, जब हम सी साइड पे जाते हैं तो ब्लैक होकर वापस आते हैं, तो उसके लिए चावल का आटा 1 चम्मच, पिंच हल्दी, और ये दही के अंदर आपने इसको पेस्ट बनाना है, और ये आप पेस्ट बना के आप फेस पे जब भी आप सी साइड के लिए सन टैन के लिए है ये आपने अप्लाई करना है 20 मिनट्स के लिए मास्क के तौर पे, और उसके बाद आप इसको वाइप आउट कर दें, एक हफ्ते के अंदर आपका सन टैन दूर हो जाएगा। जबरदस्त। और ये फिटकरी जो है ये अंडर आर्म्स के लिए भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आपकी स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करती है, मतलब खत्म करती है, ज्यादातर करके बैड स्मेल को रिमूव करती है, बहुत सारी चीजों के लिए। चाहे तो आप इसका पाउडर बना के ना आप इसका मास्क के तौर पे भी चावल के आटे में एक्नी स्किन वाले यूज कर सकते हैं। वेरी गुड जी, तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं कि ब्राइड्स टू बी जो हैं उसके अलावा भी जो ख्वातीन हैं वो ये रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करेंगी, वज़न कम करना हो, वज़न बढ़ाना हो, अगर आपसे राबता करना हो तो आप से कैसे हम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं? मेरा जो मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन में बैठती हूँ, और मेडिलिंक 2 तलवार पे, ठीक है, और वहाँ पे ये आमना मुजीब खान। और आपसे रابطہ करने के लिए तो आपने अभी गजाली हर्बल के नाम से हूं, मेरा नास के नाम से भी हूं, गजाली हर्बल के नाम से पेज है, जो भी चाहे रابطہ कर सकते हैं। डन है जी, ये था हमारा आज का शो। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, काफी यूजफुल टिप्स थे, टाइम शॉर्ट था लेकिन फिर भी हमने काफी कुछ कवर किया। अब उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों पर अमल करेंगे, करने वाले आप हैं, बताने वालों ने बता दिया, करने वाले अब आप लोग हैं। तो बस ये था हमारा आज का शो, इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी आप लोगों से कुछ नई बातों के साथ, नई मेहमानों के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें और अच्छे गुमान में रहें। खुदा हाफ़िज़। Add some masala to your life.